फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 से लेकर 12 फरवरी 2019 तक के हरियाणा करंट अफेयर्स करेंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे डेली के जो करंट अफेयर्स हैं उनकी वीडियोज मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में आयोजित स्वच्छ शक्ति 2019 कार्यक्रम में भाग लिया? तो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है कुरुक्षेत्र में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2019 को कुरुक्षेत्र में आयोजित स्वच्छ शक्ति 2019 कार्यक्रम में स्वच्छता का संदेश दिया था। पहली बार स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम जो है वो 2017 में गुजरात में आयोजित किया गया था। उसके बाद स्वच्छ शक्ति 2018 कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था और अब जो है वो तीसरी बार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 12 फरवरी को स्वच्छ शक्ति 2019 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मेघालय व केंद्र शासित प्रदेश दमन व द्वीप की जो है स्वच्छता प्रेरक थी उनको सम्मानित किया। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश की एकमात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पंचकुला में। श्री माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पंचकुला में बनने वाले हरियाणा के एकमात्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है। तो इसमें 250 बेड के आईपीडी अस्पताल के साथ आयुर्वेद उपचार, शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाया जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में किस जिले को सब्जियों की सबसे ज़्यादा पैदावार के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है पानीपत को। तो गुरुग्राम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पानीपत को सब्जियों की सबसे ज़्यादा पैदावार के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो पानीपत जिले के यमुना तलहटी में सब्जियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का कौन सा जिला सबसे पहले ODF++ घोषित हुआ है? तो ये हुआ है करनाल। तो ODF+ का प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद जो है वो अब करनाल शहर ODF++ भी घोषित हो गया है। तो ODF की फुल फॉर्म होती है ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी कि खुले से शौच मुक्त। तो इसमें जो है वो करनाल को ++ रैंकिंग मिली है। तो 27 व 28 जनवरी 2019 को भारत सरकार के शहरी मंत्रालय की क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की टीम ने 2 दिवसीय करनाल दौरे के बाद ODF++ की आधिकारिक घोषणा करनाल के लिए की है। नेक्स्ट, हरियाणा प्रदेश में पहली बार महिला हरियाणा रिजर्व पुलिस बटालियन का गठन होगा जिसके लिए कितने पद मंजूर किए गए हैं? तो ये है 1129 पद। तो हरियाणा में जो है वो पहली बार महिला हरियाणा रिजर्व पुलिस बटालियन का गठन किया जा रहा है और इसके लिए राज्य सरकार ने 1129 पद मंजूर किए हैं। तो यह बटालियन जो है वो महिलाओं को की जो भीड़ होगी उसको नियंत्रित करना, महिला प्रदर्शनकारियों से निपटना, परीक्षा या इलेक्शन में ड्यूटी और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम में महिलाओं की तलाशी या जाँच के लिए कार्य करेगी। नेक्स्ट, प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं की स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा में किस फोर्स का गठन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसका गठन जो है वो भी हरियाणा में पहली बार किया जा रहा है और यह फोर्स प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं की स्थिति से निपटने के साथ साथ परमाणु हमले और केमिकल हमले से निपटने के लिए भी सक्षम होगी। तो इसमें जो है इस एक बटालियन होगी SDRF की जिसमें लगभग 1150 खास तौर से प्रशिक्षित जवान इसमें शामिल रहेंगे। नेक्स्ट, फोर्टिफाइड आटा योजना को हरियाणा के किन जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू की गई है?
तो ये है करनाल और अंबाला में। तो अब खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा राशन डिपो पर गेहूं की जगह फोर्टिफाइड यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर आटा दिया जाएगा और इस योजना को करनाल तथा अंबाला में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और उसके बाद में ये पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। नेक्स्ट, कौन हरियाणवी बीएसएफ में प्रदेश की पहली और देश की तीसरी महिला सहायक कमांडेंट बनी है? तो ये हैं सौम्या। तो सौम्या जो है वो सोनपत के रहने वाली है और ये बीएसएफ में प्रदेश की पहली और देश की तीसरी महिला सहायक कमांडेंट बनी है। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह में सौम्या को स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो सौम्या ने 2016 में दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय उत्तर से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है। नेक्स्ट, हरियाणा रोडवेज में चालक व परिचालकों की ड्यूटियां ऑनलाइन करने वाला प्रदेश का पहला डिपो कौन सा बना है? तो ये बना है भिवानी डिपो। तो हरियाणा रोडवेज में चालक व परिचालकों की ड्यूटियां ऑनलाइन करने वाला भिवानी डिपो जो है वो प्रदेश का पहला डिपो बन गया है। तो 8 फरवरी 2019 को सभी चालकों व परिचालकों की ऑनलाइन ड्यूटियां जो है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा भिवानी डिपो में लगाई गई। नेक्स्ट, हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण एक्ट के तहत हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किसे इस एक्ट के तहत जो ये किया गया है? तो ये किया गया है एक्ट 2018 के तहत। तो हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण एक्ट 2018 की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो यह आयोग प्रदेश के हर जिले के सूखे तथा गंदे तालाबों का जीर्णोद्धार करेगा। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने जिलों में बाल परिषद केंद्र खोले जा चुके हैं? तो ये है 7 जिलों में। तो इस समय जो है वो 7 जिलों में ये बाल परिषद केंद्र खोले जा चुके हैं और जल्द ही जो है वो सभी जिलों में ये केंद्र खोले जाएंगे। तो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद प्रदेश के हर जिले में बाल परिषद केंद्र खोलेगा। बाल भवनों की तर्ज पर बनने वाले बाल संगम केंद्र जिलों के सरकारी अस्पतालों में खोले जा रहे हैं। नेक्स्ट, हरियाणा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 8 फरवरी को। तो संपूर्ण हरियाणा में 8 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया है। तो इस अवसर पर 1 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंत के कीड़े संक्रमण से मुक्त करने के लिए दवाई खिलाई गई है। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का नया पुलिस महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डॉक्टर केपी सिंह को। तो राज्य सरकार द्वारा हरियाणा मानव अधिकार आयोग के महानिदेशक डॉक्टर केपी सिंह को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा डीजीपी हरियाणा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। तो केपी सिंह जो है वो हरियाणा के 1985 बेंच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2019 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये किया गया है 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक। तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2019 का आयोजन 6 फरवरी से 10 फरवरी तक किया गया है। तो आदि बद्री में 10 फरवरी को सरस्वती महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में मृदा सुधार और जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया है 7 से लेकर 9 फरवरी तक। तो 7 से 9 फरवरी 2019 तक केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में मृदा सुधार और जलवायु परिवर्तन पर सेमिनार का आयोजन किया गया और इस सेमिनार में जो है वो लगभग 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें जो वो परिचर्चाएं की। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवारों की लड़की की शादी पर कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 51,000 रुपये। तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के बीपीएल परिवारों की लड़की की शादी के लिए राज्य सरकार की तरफ से 51,000 रुपये की सहायता राशि जो है वो
इन परिवारों को उपलब्ध करवाई जाती है ताकि ये जो अपनी लड़की की शादी कर सकें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक राइट साइड में बेल आइकन दिखाई देगा तो उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक करें। तो इससे जो है वो जैसे मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको ईमेल के माध्यम से भी मिल जाएंगी, और आप इस तरह मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के जानकारी से भरपूर नेक्स्ट वीडियो के साथ।